और मशहूर ऑटोमोबाइल डिजाइनर और डीसी डिजाइन के संस्थापक दिलीप छाबड़िया को मुंबई क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट ने जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही डीसी डिजाइन द्वारा मॉडिफाइड एक कार को भी जब्त किया गया है। दिलीप छाबड़िया को इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कार डीसी अवंती के डिजाइन के लिए भी जाना जाता है। कार और लग्जरी बसों के अलावा उन्होंने एयरप्लेन का इंटीरियर भी डिजाइन किया हुआ है। तो आपको बता दें, ये बड़ी बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर मशहूर ऑटोमोबाइल डिजाइनर और डीसी डिजाइन के संस्थापक दिलीप छाबड़िया को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। और साथ ही आपको बता दें, डीसी डिजाइन द्वारा मॉडिफाइड एक कार को भी जब्त कर लिया गया है। दिलीप छाबड़िया को इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कार डीसी अवंती के डिजाइन के लिए भी जाना जाता है। सांतिया हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। सांतिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ शिकायतें दर्ज हुई थी दिलीप छाबड़िया के खिलाफ। उनमें से एक शिकायत किसी बॉलीवुड हस्ती की भी है। इस पूरे मामले में अभी काफी सारी जानकारी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने साझा नहीं की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस जानकारी को पता साझा किया जाएगा। जो बताया गया है वो ये है कि चीटिंग, धोखाधड़ी और फौजरी और जालसाजी के मामले में दिलीप छाबड़िया को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। गाड़ियों के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का मामला है। उन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में किस तरह की जालसाजी की गई थी, किस तरह की धोखाधड़ी का सहारा लिया था दिलीप छाबड़िया और बाकी आरोपियों ने, ये है पूरा मामला दिलीप छाबड़िया के बारे में। जैसा कि आप बता रही थी, हिंदुस्तान की पहली स्पोर्ट्स कार डिजाइन करने का श्रेय दिलीप छाबड़िया को जाता है। बड़ी हस्ती है ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग के क्षेत्र में। और देखिए, ना सिर्फ गाड़ियां, उन्होंने बाइक से लेकर के लग्जरी बसेस से लेकर के एयरप्लेन्स के जो इंटीरियर्स हैं वो भी डिजाइन किए हैं। तो अगर हम बात करें गाड़ियों की, जो कि एक गाड़ी मुंबई पुलिस द्वारा जब्त भी कर ली गई है, एक स्पोर्ट्स कार है जिसकी कीमत करीब 75 लाख है। तो काफी बड़ा हाई फाई मामला बताया जा रहा है, एक हाई प्रोफाइल मामला बताया जा रहा है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी कुछ ही घंटों में मुंबई पुलिस साझा करेगी। जी बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। शुक्रिया सांतिया इस पूरी जानकारी के लिए।